वेलकम बैक टू द वाइल्ड शो। जी हाँ, बात हम करना चाह रहे थे उस लेटर की जिसकी हम पिछले वीक भी हम जिस पर डिस्कशन कर रहे थे। अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इशू के क्वेरी है तो प्लीज प्लीज आप इस वक्त मत कीजिएगा, अगले वीक आप जरूर हमसे बात कर सकते हैं। और अभी जो है, अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो, कोई कॉल ऐसी आप करना चाहें, कोई शेयर करना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस उस लेटर के बारे में जो कि मैं अभी पढ़ने वाली हूँ, तो प्लीज आप हमें जरूर कॉल करें। थैंक यू। तो ये लेटर जो है मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ, जो पिछले वीक का लेटर है, लेकिन आज भी पढ़ना चाहूंगी, लेकिन ये इंग्लिश में है। लेकिन माय हस्बैंड लेफ्ट मी फॉर अनदर वुमन, लीविंग मी विद 3 किड्स। नाउ आफ्टर 3 इयर्स ही हैज कम बैक होम, बट ही डजंट शो एनी साइन ऑफ रिमोर्स एज ही शुड। He still blames me for his actions. I can't seem to forget that he had abandoned me and our children at the time we needed him the most. I feel a lot of resentment towards him and at the same time anger towards myself to why did I accept him back. I feel like I'm making this sacrifice for the sake of my children as I see them quite happy with his return home. Why is it so difficult for me to forgive him? वो अपने उनको माफ नहीं कर पा रही है, इतनी इमोशनली वो शी इज नॉट वेरी हैप्पी, बट व्हाई शी हैज टेकन हिम बैक, क्या होना चाहिए? अभी मेरे ख्याल में कॉलर एक है, देखते हैं अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आई होप कि हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, यस्मीन ने इन्हें लेटर तो अपने पिछले का पढ़ा था जी। ये एक और लेटर आया उनकी तरफ से। नहीं नहीं, ये वही लेटर है, लेकिन उस पे कॉलर्स इतने कॉलर्स की सजेशंस और इतने कॉलर्स ने इनपुट की थी कि हमारे जो थे ये हमारे एक्सपर्ट्स उस पर बात नहीं कर सके थे। और तो मैं देखिए, ये मौजूद जरूर रखा करें, ये बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई मौजूद आप जरूर इस मामले में। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ ना तो आपकी बात की आवाज भी मुझे आती है कि आप क्या कह रही हैं। ओहो, मेरे ख्याल कोई टेक्निकल आज हो रही होगी प्रॉब्लम, आप आपको आ रही है? हेलो, हाँ अब तो आ रही है। जब मैं प्रमोट होती हूँ तो फिर आपकी आवाज आती है, जब मैं बोल रही होती हूँ तो फिर मैं नहीं सुन पाती कि आप क्या कह रही है। जब आप बोल रही होती तो मैं तो बोल ही नहीं रही होती। अच्छा अच्छा, मैं आपको बताऊँ की यस्मीन इस मौजूद पे जरूर कोई ना कोई हर संडे मौजूद रखा करे, फैमिली का कोई भी कोई कोई ना, इस तरह का बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। और मैं आपको यही उसको फिर अगर मेरी बहन वो सुन रही है जिसने ये लेटर लिखा है, मैं उसको यही कहूंगी कि माजी को भूल के इन फ्यूचर की तरफ देखे, जिंदगी बहुत हसीन है। अगर आप पिछली बातें याद करते रहे तो मेरा ख्याल कोई भी स्कूल में नहीं रहेगा। बहुत सारी हमारी चीजें होती है जो लोग याद करके अपनी आने वाली लाइफ को भी खराब करते हैं। देखिए, तीन बच्चों की माँ है, तीन बच्चों की माँ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी इतना फरिश्ता नहीं आएगा। जिनके बच्चे हैं वही उनको प्यार देंगे, वही उनका बाप है। तो मैं अपनी बहन से यही कहूंगी कि प्लीज प्लीज आप अपनी लाइफ देखिए, देखिए 2-3 साल के बाद आपकी इतनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। यात्री मैं आपको एक रियल वाकया सुनाती हूँ। तो यही मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बहू नई नई आई शादी करके, तो उसने बस यही मसला शुरू कर दिया कि मैंने सेपरेट रहना है, मैंने ससुराल में नहीं रहना, मैंने सेपरेट। मैंने उसको इतना समझाया, मैंने कहा देखो कल तुम्हारी माँ जो तुम पाकिस्तान छोड़ के आई हो वो भी अपने बेटे का करेगी, तो आपकी माँ के साथ यही सलूक करेगी जो तुम आज इधर इनके साथ कह रहे हो। मैं मानती हूँ गलती दोनों तरफ से होती है, अगर तुम्हारी सास बुरी है तो तुम भी इतनी अच्छी नहीं हो कि जो तुम बर्दाश्त करो उसकी बातें। उसने बड़े गौर से मेरी बात सुनी, बड़ी समझा के मैंने उससे बात की। अब बिलीव करे, अब उनकी शादी को 3 साल हो रही है, वही लड़की वही सास अपने घर में राज कर रही है। वही लड़की जो कहती थी मुझे बाहर जाने का माँ सास से पूछना पड़ता है, आज अपने मियाँ के साथ घर की पूरी ग्रोसरी करती है, आज अपने मियाँ के साथ बच्चों की शॉपिंग करती है। उसका राज है उसकी सास। आप जैसे लोग उन्होंने अपनी गलतियां तस्लीम कर ली है तो जिंदगी अच्छी गुजर रही है। अगर वो सास को छोड़ के चली जाती और मजबूर करती अपने मियाँ को अलग देने पे, सारी जिंदगी उसे ड्यूटी फील करना था कि वो इंतजार नहीं होती थी बिल्कुल नहीं। आपकी बहुत अच्छी सजेशन है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट आपने जी। और कौन कॉलर है जी? हेलो, हेलो, वालेकुम सलाम जी, आप जरूर कीजिए, क्या कहना चाहेंगी आप? जी जी, ये जो टॉपिक हम जो लेटर हमने पढ़ा था जी, आप क्या कहेंगी? जी, हस्बैंड ने
سال ہو گئے ہو جی تو 25 سال میں 25 سال میری بتھی بنے رہے تو مجھے پتا چلا کافی میں پریشان ہوئی کیونکہ پہلے میں نے اتنا اعتبار کیا اپنے گھر میں سوچ نہیں سکتی ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کیا بیٹی کی شادی کی پچھلے سال تو بعد میں مجھے پتا چلا تو کتنے عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا مجھے بھی ایک تقریباً ایک سال سے چل رہا تھا تو اب تو 2 سال ہو گئے تین میرے بچے بیٹی کی شادی کی بعد میں مجھے پتا چلا اور مجھے اتنی پریشانی میں نے اتنا اعتبار کیا میں کام نہیں کبھی میں نے شک نہیں کیا بہت مجھے پریشانی ہوئی اب کیا سچویشن ہے آپ کی اب یہ ہے کہ پہلے تو مجھے بہت زیادہ تھی پھر بعد میں ایسے کبھی بیٹی کی شادی کی ہوئی جی اگر میں ہم ڈوس لیں گے تو وہ بھی پرابلم ہوئے گی اس کے بعد پھر بیٹے کی اب 23 ہو اس کی بھی شادی کرنی ہے اس کی بھی پرابلم ہوئے گی اس وجہ سے پھر میں نے آہستہ 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 پھر میں نے اپنے آپ کو ذرا گیا تو میں نے ساتھ سے بات کی انہوں نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا انہوں نے بس یہ کہا کہ جو پیار ہو گیا پھر تم صبر کرو بہت مجھے پریشانی ہوئی اب بھی میں دل تو نہیں جاتا ہے مطلب بچوں کی خاطر میں نے برداشت کیا اور آگے بھی اور میں کہاں کیونکہ میرا اپنا تو ادھر کوئی ہے نہیں اکیلی ہوں تو بچوں کی وجہ سے پھر میں نے پروموشن جب یہ ہے کہ میں تھوڑا اس کے جن کے ساتھ ساتھ اس کی باتیں کرتا رہتا تھا کیونکہ مجھے یقین کا مانگ رہا کہ میں کوئی باتیں کر رہا تھا کیونکہ کام کرنے والی تھی اس کے ساتھ اپنی جہاں سے بس کرتی ہو ہر وقت اس کی بات کرتا رہتا ہر وقت اس کے بارے میں میں friendship and communication dies down very soon after the marriage and hamari aurte apne bachchon mein apne ghar mein itni zyada lag jati hai ki wo husband ko ignore karna shuru kar deti hai so main kisi ka aise blame nahi kar rahi hu lekin main as a sister aapko bata rahi hu ki ye maine observe kiya hai and accept because I know a lot of young people who come to me and talk about their marriages and I'm discussing with them about their relationships from an experience I'm saying, and this is what the men are telling me, they're not important in her life anymore. ये तो एक एस्पेक्ट हो सकता है कि ये तो आप कह सकती हैं कि हो सकता है कि ये हो लेकिन आप do you think that he should be scot free? Very difficult to talk about. Because it's not even about कि सबर की बात है और उनकी पेशेंस की बात है उनके सेक्रीफाइस की बात है ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ट्रस्ट टूटने की बात है सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और हमें एज अ वुमेन इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि दे हैव अ राइट टू सेल्फ रिस्पेक्ट वो उनके सामने सॉरी मैं वो जो कॉलर है उनकी बात कर रही जी जी कि उनके सामने वो टेक्स कर रहा है बातें कर रहा है एंड शी नीड्स सपोर्ट टू gain her self-respect, her self-worth. और हमें हर बार सिर्फ वुमेन को ही नहीं ब्लेम करना चाहिए कि वो अपने मर्दों को जैसे आप अभी चाह रहे हैं संभाल नहीं पा रही हैं संभाल नहीं पा रही हैं उनको टाइम नहीं दे रही हैं उनका उनको वैल्यू नहीं बनाने वाली बात है कि आप देखिए ये इक्वल रिस्पॉन्स मेरे ख्याल से ये इक्वल आई थिंक वी हैव टू कैरी ऑन द डे देन ये मेरे ख्याल एक और कॉलेज अपनी देना चाहेंगे सजेशन तो ये तो काफी इसे कहते हैं ना बहुत डीप टॉपिक है और बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हेलो यात्री मैं आ गई हूँ मैं यही कहूंगी कि आप ये बताएं कि वो औरत की दुश्मन क्यों होती है जी हम और को सोचना चाहिए और उस औरत को सोचना चाहिए था ये 25 साल से जिस औरत के साथ रह रहे हैं अगर उसके साथ ये धोखा कर सकते हैं तो मेरे साथ इसको प्यार कैसे हो सकता है कि तीन बच्चों की माँ ये औरत का कसूर नहीं कैसी मर्द का कोई कसूर नहीं होता एक दफा औरत से सही जवाब मिला हो तो किसी मर्द की जरूरत नहीं होती कि किसी औरत की तरफ देख सके वो भी शादीशुदा मर्द नहीं
सारे फिंगर्स आप औरत तक पॉइंट नहीं कर सकते हैं, मर्द का भी तो जाहिर कसूर उतना ही है ना। देखिए औरत का भी कसूर है, see you next week. Till then, take good care of yourself. Thank you.